हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, शॉर्ट्स चैनल है आपका यूट्यूब पे, आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं शॉर्ट्स चैनल के लिए, जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन के लिए नया रूल आया है शॉर्ट्स चैनल के लिए, तो वो नया रूल, नया अपडेट आपको मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको अब अच्छे से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं YouTube शॉर्ट्स चैनल मोनेटाइजेशन न्यू रूल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले जो आपके शॉर्ट्स चैनल के लिए क्राइटेरिया था, वो आपका क्राइटेरिया जो रूल था वो था 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए आपके चैनल पे लास्ट 365 डेज के अंदर, मतलब पिछले एक साल में आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। जैसा कि आपके लॉन्ग चैनल्स जो हैं यूट्यूब के, उनके लिए जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया सेम इसके लिए था। लेकिन अब जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैंने नाउ आफ्टर न्यू रूल, आपको 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब आपको वॉच टाइम नहीं चाहिए। 4000 घंटे का वो जो वॉच टाइम था वो आपको नहीं चाहिए, अब उसकी जगह आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिलियन व्यूज आपको लास्ट 90 डेज के अंदर अपने चैनल के ऊपर चाहिए। मतलब आपको 90 डेज, मतलब 90 दिनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर अपने चैनल के ऊपर आपको 10 मिलियन व्यूज करने होंगे, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल अब बना दिया गया है शॉर्ट्स चैनल के लिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं इसको कि किस तरीके से आपको पूरे करने हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, जैसे आपने कोई नया चैनल बनाया, 1 जनवरी को बनाया मान लीजिए, और आपने उस पर जो वीडियोज हैं वो अपलोड करनी शुरू कर दी, आपने 1, 2, 3, 4 और बहुत सारी वीडियोज उसके ऊपर डाल दी, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक आपके 90 डेज हो जाते हैं। तो इन 90 दिनों के अंदर, इट मींस इन लास्ट 3 मंथ्स यू हैव टू कंप्लीट 10 मिलियन व्यूज, मतलब इन 90 दिनों के अंदर अगर आपके 10 मिलियन व्यूज हो जाते हैं 3 महीनों के अंदर, तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें नीचे मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि अगर आपके 10 मिलियन व्यूज जनवरी से मार्च के बीच में नहीं हुए तो क्या करेंगे आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है कि जनवरी में मान लीजिए आपके 3 मिलियन व्यूज हुए हैं, फरवरी में 2 मिलियन हुए हैं, मार्च में 3 मिलियन और अप्रैल में 5 मिलियन व्यूज आए हैं। तो जो ये फर्स्ट, जो आपके मान लीजिए पहले आपने जनवरी से मार्च तक का ले लेते हैं हम, तो मार्च और फरवरी और जनवरी इन तीनों के मिला के आपके 8 मिलियन हो रहे हैं, ठीक है। 3 महीने लिए मैंने पहले समझाने के लिए अप्रैल का भी छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपने 3 महीने काम किया जनवरी फरवरी मार्च और इसके मिला के आपके 8 मिलियन हुए, 10 मिलियन नहीं हुए, लेकिन आपके जो अप्रैल में है वो 5 मिलियन व्यूज आ गए। तो अब हम नीचे से काउंट करेंगे जो लास्ट के 3 मंथ हैं, अप्रैल मार्च और फरवरी, इन तीनों को काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं इनका टोटल 10 मिलियन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मिलियन, 3 मिलियन और 5 मिलियन, टोटल 10 मिलियन हो गया। तो यहाँ पे 10 मिलियन आपके व्यूज हो गए लास्ट 90 डेज के अंदर, 90 दिनों के अंदर लास्ट 3 महीनों में आपके व्यूज आ गए। तो इस तरीके से ये जनवरी वाला है इसमें से कट गया, तो आपके जो पीछे से लास्ट के जो 3 मंथ हैं वो आपके कैलकुलेट होंगे, उससे कैलकुलेट होगा आपका व्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में अब आ गया होगा ये रूल क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता लग गया होगा कि यूट्यूब के जो शॉर्ट चैनल है उसके लिए मोनेटाइजेशन का जो रूल है, जो क्राइटेरिया है, वो बदल गया है। अब आपको 1000 सब्सक्राइबर और 90 डेज के अंदर, मतलब 90 दिन के अंदर आपको 10 मिलियन व्यूज़ अपने चैनल पे करने होंगे, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आप भेज सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।